आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अभी तक खरीफ समेत सभी फसलों के उत्पादन में गिरावट का एकमात्र कारण बेमौसम बारिश है। बारिश से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब इसका असर हर चीज की कीमतों पर पड़ रहा है। इस साल तिल के उत्पादन में भी 25% की कमी आई है, इसलिए मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर तिल के भाव में वृद्धि जारी रहेगी। किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए एक या अधिक विकल्पों को अपनाता है, लेकिन देश में तिल की पैदावार घट रही है क्योंकि प्रति एकड़ उपज अन्य फसलों की तुलना में कम है। नतीजतन तिल के दाम पिछले 4 महीनों में 40 रुपए बढ़कर 50 रुपए हो गए हैं। बेमौसम बारिश ने तिल की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया है। बारिश से न केवल उत्पादन कम हुआ है बल्कि तिल की गुणवत्ता भी कम हो गई है। तो वहीं बारिश के कारण हल्के और निम्न गुणवत्ता वाले तिल के उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। ऐसे में मकर संक्रांति के त्योहार में अच्छे गुणवत्ता वाले तिल की अधिक मांग रहती है। तिल का उत्पादन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा समेत महाराष्ट्र इन राज्यों में उगाया जाता है। हालांकि बारिश के कारण तिल के घरेलू उत्पादन में गिरावट आई है, लेकिन अन्य तिल उत्पादक देशों में भी उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है। देश में लगभग 5 लाख मेट्रिक टन उत्पादन होने की उम्मीद है, हालांकि इसमें 25% की कमी भी आ सकती है। वहीं अफ्रीका से तिल का आयात बंद हो चुका है। इतना ही नहीं, आयात निर्यात के लिए जरूरी कंटेनरों का किराया भी बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर तेल की वैश्विक मांग अधिक है और उत्पादन कम, तो अगले महीने आने वाले मकर संक्रांति में लोगों को तिल के 2 गुने पैसे देने पड़ सकते हैं। मकर संक्रांति पर्व के दौरान तिल की मांग तो रहती है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। सफेद तिल में हेल्दी आयरन, कॉपर, विटामिन B6 पाया जाता है। यह रक्त कोशिकाओं को आसानी से बनाने और कार्य करने की अनुमति देता है। काले तिल में एंटी एजिंग गुण होते हैं और ये हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। इसके अलावा तिल फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत भी है, जो कोलेस्ट्रॉल और जैसी कम करने में मदद करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसलिए काले तिल के साथ साथ सफेद तिल की भी मांग रहती है। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।